40 फीट कंटेनर है ये। एक पैकेजिंग हमने पैलेट्स की देखी, एक आपके सामने है कॉरुगेटेड बॉक्सेस। अब देखो ये लाइव स्टफिंग, ये माल है, अंदर वेयरहाउस से माल आएगा, आपने माल भेजा, अंदर वेयरहाउस पे लगा, आपका कंटेनर लगा, टाइम आ गया, इस तरीके से माल आएगा और अंदर स्टफिंग की जाएगी। सामने पीछे भी देखो, फिर 40 फीट कंटेनर उठा के लेके आ रही है। समझ आया? अब ऊपर से नीचे तक भरा जा रहा है। अब आप कहते हो अगर मैं इस कंटेनर को सिर्फ यहीं छोड़ दूं, मेरा माल हो गया खत्म। क्रेन अगर कंटेनर इस तरीके से उठाएगी जैसे घुमा रही है, ऊपर से बॉक्स गिर सकता है। अब अभी अगर यहां वुडन चोकिंग हो रही होगी तो बताऊंगा, यहां पे आके इतने स्पेस पे पूरी वुडन चोकिंग होगी, पूरा यहां से लेके यहां तक पूरी वुडन चोकिंग होगी, और उसके बाद हो सकता है ये LCL कार्गो हो। अगर LCL कार्गो है तो दूसरी पार्टी का माल यहां पे रखा जाएगा। अगर नहीं है, अकेले इसी ने ही भर यानी पूरा बुक कराया हुआ है ये कंटेनर, तो ये पूरी वुडन चोकिंग होगी और उसके बाद एज इट इज क्रेन उठाएगी यहां से और लेके चली जाएगी। बोलो, पूरा कंटेनर बुक करके आधा माल भी भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हो, वो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ नहीं, डिसबैलेंस तो हो सकता है, लेकिन वुडन चोकिंग अगर मैं कर दूं तो डिसबैलेंस कहाँ से होगा? पूरी चारों तरफ कहाँ पे? नहीं, खाली ऐसे नहीं जाएगा। अगर खाली जाएगा तो डिसबैलेंस तो होगा और वो प्रोडक्ट गिरेगा और डैमेज होगा। समझ आया? चलिए और आगे। बेटा एक्सपोर्टर ना बना के छोड़ा ना तो मैं भी नहीं है ना। सबसे पहले वुडन पैकेजिंग, हम पैकेजिंग की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये है वुडन पैकेजिंग। अब इसके अंदर मिट्टी का, जैसा कि क्या कहते हैं, इसकी पैकिंग लिस्ट में लिखा हुआ है, ओवन जा रहा है, तंदूर कह सकते हो आप। अब मिट्टी का तंदूर है तो लकड़ी से डैमेज हो सकता है, और इसके लिए अंदर से पूरी थर्मोकॉल की पैकेजिंग की हुई है। देखा? अब मुझे एक बात बताओ, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, कितना दिमाग लगा लोगे यार? तो ये सारी पैकेजिंग आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यानी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी वुडन पैकेजिंग के साथ। अंदर उसने थर्मोकॉल डाला हुआ है और बाहर प्लास्टिक से रैपिंग कर रखी है, और जितने भी फ्रेजाइल स्टिकर्स, जो भी मार्किंग है, सब दे रखी है अपनी तरफ से, कि मेरा प्रोडक्ट किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। तो ये सारा का सारा उसने काम किया हुआ, और ये जिम्मेदारी किसकी? हमेशा एक्सपोर्टर की। ऐसा नहीं होता, वो पूरी फोटो वीडियो बना के भेजेगा ना। अगर ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, स्टफिंग हो रही है, तो जैसे स्टफिंग हो रही है, CHA सामने खड़ा है, जब ये स्टफिंग होगी तो आपको वीडियो लाइव आपके सामने चल रहा है। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ ना, टेक्नोलॉजी का फायदा क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल कर रहा है, वो सामने खड़ा तो है CHA। अपनी लोकेशन से तो नॉर्मल पैकेजिंग से भेज सकता है, यहाँ पे आगे सारा हो सकता है, या फिर ट्रक में भेज दिया। अब या तो वेयर हाउस यहाँ पे उसने ले लिया, या फिर CHA ने बाहर से एक पैकिंग करा के, CHA बाहर से भी पैकिंग करा के दे सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। क्लियर? नेक्स्ट। चलिए अब आते हैं वेयर हाउस में। We'll be right back.